हे गाइस, आई होप दैट यू ऑल आर फाइन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो बहुत दिनों बाद मैं फिर से करने जा रहा हूँ एक बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार चैलेंज। एंड ये टाइप का हाइड एंड सीक चैलेंज मैंने पहले भी किया था, पहले 2 बार मैंने किया था। एंड आज का ये जो वीडियो होने जा रहा है वो भी सिमिलर टाइप का होने जा रहा है। इस वीडियो में मैं बनाने जा रहा हूँ एक सीक्रेट रूम मेरे ही घर में। एंड मैं मेरे फैमिली मेम्बर्स से हाइड करने जा रहा हूँ उस सीक्रेट रूम में। एंड मेरे फैमिली मेम्बर्स के पास सिर्फ 1 घंटा का टाइम है। बाकी आप लोगों को तो पता ही है इस चैलेंज के रूल्स, मैंने पहले भी किया है। एंड अगर आपने मैंने पहले जो वीडियो किया था वो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप लोग ज़रूर देख लेना। एंड 1 साल पहले मैंने एक सीक्रेट रूम बनाया था जहाँ पर मैंने ओवरनाइट चैलेंज किया था। बट ये ओवरनाइट चैलेंज नहीं होने जा रहा, मैं बस 1 घंटा रहने वाला हूँ सीक्रेट रूम में। एंड देखते हैं कि मेरे फैमिली मेम्बर्स मुझे पकड़ पाते हैं कि नहीं। लास्ट दोनों टाइम तो मैं हार गया था, इस बार देखते हैं क्या होता है। सो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार वीडियो है, आप लोग एंड तक ज़रूर देखना। एंड मेक श्योर कि आप लोग इस वीडियो को लाइक करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना, क्योंकि अब से ऐसे और भी बहुत सारे मज़ेदार वीडियोज़ आएंगे। सो नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, ये है मेरा सीक्रेट रूम। लास्ट टाइम भी मैंने यहीं पर बनाया था, इसी जगह पर मेरा सीक्रेट रूम, बट इस बार थोड़ा बेटर है आई थिंक। सो बाहर से मैंने मेरे सीक्रेट रूम को ऐसे कवर कर दिया है। ये है मेरा सीक्रेट रूम अंदर से। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कम जगह है, सो इसलिए मैंने ज़्यादा कुछ रखा नहीं है, बस कुछ कुशंस रखे हैं एंड एक मैट रखा है मैंने। एंड लाइटिंग के लिए एक टॉर्च है। यहाँ पर कुछ भी कनेक्शन नहीं थे इसलिए मैं लैम्प नहीं रख पाया। एंड ये जगह बहुत ही ज़्यादा कंजेस्टेड है, यहाँ पर ठीक से रहने का जगह है ही नहीं। मैंने जैसे तैसे थोड़ा बहुत अरेंजमेंट्स किया है, बट एनीवेज ये चैलेंज बस 1 घंटा के लिए होगा। उसके बाद अगर मेरे फैमिली मेम्बर्स ने पकड़ लिया तो ये चैलेंज मैं हार जाऊँगा, नहीं तो मैं जीत जाऊँगा। सो 1 घंटा इजीली एडजस्ट कर सकते हैं। ओके, सो अभी रात के 10:30 मैं ये चैलेंज स्टार्ट कर रहा हूँ। एंड मेरे फैमिली मेम्बर्स के पास टाइम है रात के 11:30 तक। एंड उसी टाइम के अंदर उन लोगों को मुझे ढूंढना है। लास्ट टाइम तो मैं हार गया था, आई विश इस बार मैं जीत जाऊँ। ओके, सो अंदर का जो जगह है वो कुछ ज़्यादा ही कंजेस्टेड है, मैंने जितना एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। एंड जैसे तैसे मैं ये चैलेंज कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। इतना ज़्यादा मुश्किल चैलेंज मैं कर रहा हूँ, सो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना। एंड अगर ऐसे टाइप के और भी वीडियोज़ चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताना। वैसे मुझे कुछ बड़ा सीक्रेट रूम बनाने का मन था, बट मुझे कोई और जगह मिला ही नहीं, बस यही जगह मिला। सो यहीं पर मैंने बना दिया सीक्रेट रूम। एंड अभी मेरे फैमिली मेम्बर्स का टाइम तो स्टार्ट हो चुका है, वो लोग मुझे ढूंढ रहे हैं। एंड थोड़ा बहुत नर्वसनेस है, बाय द वे इस रूम में ज़्यादा लोग आते नहीं है। एंड मेरा स्टडी टेबल रूम के कॉर्नर में है, जो कि लाइक नज़र भी नहीं जाता है उन लोगों का इतना ज़्यादा। ओके, सो एक चीज़ है जो कि लाने के लिए मुझे बाहर जाना पड़ेगा रिस्क लेकर, एंड दैट इज़ हेडफोन। सो अंदर 1 घंटा मैं ऐसे ही तो बैठे नहीं रह सकता, मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। सो इसलिए मैंने सोचा कि मैं म्यूज़िक सुन लेता, उसके लिए हेडफोन्स चाहिए। एंड जैसे ही कोई भी इस रूम में एंटर करेगा मुझे लाइट ऑफ करना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट टाइम मैं फ्लैशलाइट की वजह से ही हार गया था चैलेंज। ओके, सो 20 मिनट्स हो चुके हैं एंड बहुत ही ज़्यादा टायर्ड लग रहा है, सो अभी मैं थोड़ा सो ही लेता हूँ। ये जगह कंजेस्टेड तो है ही, एंड उसके ऊपर इतना ज़्यादा मॉस्किटोज़ है, मैं यहाँ पर रह नहीं पा रहा हूँ। जैसे तैसे मुझे 1 घंटा बिताना पड़ेगा। सो इस वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर कर देना। एंड आई डोंट थिंक कि ऐसे हाइड एंड सीक या सीक्रेट रूम टाइप के मैं कोई भी वीडियोस आगे बनाऊंगा, क्योंकि सबसे पहले तो ये बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है एंड मैंने ऑलरेडी बहुत टाइप के वीडियोस बनाए हैं।
सो गाइस, मुझे बहुत ही ज़्यादा बोर्ड फील हो रहा था, इसलिए मैं बस फ़ोन लेकर म्यूज़िक सुन रहा था। बट इसके बाद क्या होता है आप लोग खुद ही देख लो। गाइस, अभी एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम हो गया। मैं हेडफोन्स यूज़ कर रहा था, अचानक से ये डिस्कनेक्ट हो गया, चार्ज ख़त्म हो गया। एंड अभी साउंड सुनकर कोई भी आ सकता है यहाँ पर, आई डोंट नो क्या होगा। ओके, सो जिसका डर था वही हुआ, मैं ये चैलेंज हार चुका हूँ। एंड आई एम वेरी मच सैड, क्योंकि मैंने इतना ज़्यादा अच्छा अरेंजमेंट किया है, फिर भी मैं हार गया। मेरा लक आज अच्छे से काम नहीं कर रहा था, अच्छे से ये चैलेंज चल रहा था, इन अचानक से मेरा हेडफोन डिस्कनेक्ट हो गया, जिसके वजह से गाने का नॉइज सुनकर मेरी दीदी यहाँ पर आ गई एंड मैं ये चैलेंज हार गया उसी के वजह से। अगर हेडफोन्स डिस्कनेक्ट नहीं होते तो ये चैलेंज मैं नहीं हारता। सो एनीवेज, हार और जीत तो होती रहते हैं चैलेंज में, बट मैंने इन्जॉय बहुत ज़्यादा किया इस चैलेंज में। एंड आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। एंड आजकल वीडियोस थोड़ा लेट आएंगे क्योंकि मैं अभी क्लास 10 में हूँ, सो आप लोग समझ ही सकते हैं।